दोस्तों फिलहाल लॉकडाउन की वजह से यार आप लोग नया सिम परचेज नहीं कर पा रहे हैं। कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो नए सब्सक्राइबर यहाँ पर ऐड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज आप लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज आ रही है कि अब जो आपको सिम है वो मिलने जा रहा है, आपके घर पर ही मिलने जा रहा है और आप खुद से उसे एक्टिवेट कर पाओगे। कैसे क्या कुछ न्यूज आप लोगों के लिए आ रही है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और अब तो यार जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में जो यहाँ पर मोबाइल कंपनी है दोस्तों वो अपना नया कनेक्शन जो वो इशू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो है आपको KYC करानी रहती थी तो वो आप मोबाइल की जो है शॉप पर ही जाकर जो है सिम वगैरह परचेज करते थे, वहीं से आपकी सिम एक्टिवेट की जाती थी। तो इस वजह से आपका जो सिम है वो अब एक्टिवेट नहीं हो रहा है और ना ही नया सिम आप लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे में अब जो यहाँ पर सभी जो मोबाइल कंपनियाँ हैं एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और रिलायंस, जो ये जो इनका एक जो है यहाँ पर एसोसिएशन है जिसे जो है COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने डॉट को एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने बोला था कि वो यहाँ पर सेल्फ KYC करेंगे यानी कि आपके घर पर आपको सिम पहुँचाया जाएगा, उसके बाद खुद से आप अपनी सिम को एक्टिवेट कर पाएंगे, खुद से आप अपनी जो KYC वो यहाँ पर कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर डॉट की तरफ से बताया गया है कि अभी वो जो है नए सिम को लेकर यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी इश्यू है उनमें ध्यान रखा जाए यानी कि कोई भी गलत सिम वहाँ पर एक्टिवेट ना हो। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तैयारी कर रहा है कि आपको घर पर आपके जो है सिम पहुँचाया जाएगा और खुद से जो है आप उस सिम को एक्टिवेट कर पाओगे। तो जो भी लोग यहाँ पर नया सिम जो है लेने का प्लान बना रहे थे तो वो अब कुछ ही दिनों में नया सिम ले पाएंगे, चाहे लॉकडाउन चलता रहे फिर भी आप जो है उस सिम को ले पाओगे और खुद से ही एक्टिवेट कर पाओगे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट यहाँ पर सिर्फ अभी ये देख रहा है कि इसमें कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू तो नहीं आता है। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू नहीं आता है तो बहुत ही जल्दी अब आप घर बैठे ही नया सिम जो है यहाँ पर खरीद पाओगे और उसे घर से ही एक्टिवेट कर पाओगे। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज आ रही है आप लोगों के लिए जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के यूजर्स के लिए कि घर बैठे अब आपको सिम मिलने जा रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की न्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।